हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं बढ़िया संडे की आप लोगों ने छुट्टी मना ली है अब सभी आप लोग क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस अपनी क्लास देखिए दोस्तों डेली आप लोगों की क्लास होती है लेट्स क्रैक साइंस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है साइंस के यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर भी होते हैं एक्सपेक्टेड भी होते हैं तो आप लोगों को डेली क्लास अटेंड करनी है आप लोग खुद देखेंगे साइंस कितनी आप लोगों को आसान लगती है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आपको साइंस पर नीरअ सर से मिल जाएगा दोस्तों रेलवे आधार बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन चाहे आप लोग कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर ले हो कर रहे हो साइंस रीजनिंग मैथ्स और जीके दोस्तों अब आप लोगों को कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है एक जगह दोस्तों मात्र मात्र चौदह सौ निन्यानवे रुपए में साइंस मैग्नेट मैग्नेटाइप इंस्टॉल करके आप लोगों को कोर्स में यह मिल जाएगा डिटेल में बात करेंगे लास्ट में इसके डेमो भी मैंने आप लोगों को डाल दिए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को पढ़ा रही है चलिए दोस्तों स्टार्ट करें आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों की स्क्रीन पर बताएंगे देखिए दोस्तों इसमें गलती नहीं होनी चाहिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्यों क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बताओ गाय के दूध में शर्करा का प्रतिशत कितना होता है शर्करा किसको बोलते हैं शुगर को हिंदी में शर्करा बोलते हैं अब ये शुगर क्या होता है दोस्तों आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसका ही कॉमन नेम शुगर है उसका ही सामान्य नाम शर्करा है तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि गाय के दूध में आपको कितना कार... आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा देखिए दोस्तों ये आपको मैंने पहले भी बताया था क्लास नाइन का जो चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज उसमें बहुत अधिक आपको जानकारी दे रखी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है तो देखिए यहां पर कुछ एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कौन कौन से एक तो दोस्तों गाय से मिलने वाला दूध एक एग एक मीट एक फिश दोस्तों अगर हम लोग बात करें गाय के दूध में मैक्सिमम क्या पाया जाता है दोस्तों वाटर कितना सत्यासी दशमलव दो परसेंट दोस्तों फैट पाया जाता है तीन दशमलव छह परसेंट प्रोटीन पाया जाता है चार परसेंट और शुगर कितनी पाई जाती है चार दशमलव पांच परसेंट तो शुगर का ही परसेंटेज पूछा गया था करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो चार परसेंट दे रहे हैं वो चार परसेंट क्या है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट तो कितना है दोस्तों साढ़े चार परसेंट है और क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन सी शुगर पाई जाती है कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है मिल्क में जल्दी से बताओ सर मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज देखिए कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप की होती है स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है है ना सिमिलरली आप लोगों का जो इलेक्टोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट है यही आप लोगों को मिलेगी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए बताओ दोस्तों आंख का भारी हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह कौन सा है आप लोगों को पता है दोस्तों ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे नहीं जानते हो तो आप लोग समझिए देखो हमारी आंख का जो ये वाला पार्ट है ना सबसे उभार है ना और ये क्या होती है ह्यूमन आई की बॉल होती है मानव नेत्र की बॉल होती है तो दोस्तों ये तो क्या हो गई ह्यूमन आई हो गई पूरी और ये जो आपको बाहर प्रोजेक्शन यानी उभार दिखा जा रहा है इसे आप लोग क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं तो हमारी ये जो ह्यूमन आई की जो बॉल है ना दोस्तों इसकी तीन लेयर होती है सबसे आउटर लेयर को आप लोग क्या बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं ठीक है दोस्तों इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा यानी आंतरिक स्केला स्क्लेरा या इसको दोस्तों कोरोइड के नाम से भी जानते हैं और सबसे जो इंटरनल सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसका नाम क्या है रेटिना तो ये जो सबसे अंदर वाली उसका नाम क्या है रेटिना है अब देखिए हमारी आंख के अंदर तो बहुत सारे पार्ट होते हैं लेंस भी होता है तो बेसिकली सबके आप लोगों को प्रोटेक्शन कौन देगा सबसे आउटर लेयर तो लेगी जिसका नाम क्या है स्क्लेरा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है क्या आप लोग यहां पर देख सकते हो सबसे आउटर जो लेयर है उसे स्क्लेरा बोलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की जो है उसको इनर स्क्लेरा या कोरोट बोलते हैं और सबसे अंदर वाली जो है उसे रेटिना बोलते हैं ठीक है आ जाओ चलिए यार एक लड़का है है हीरो सरकार जी सर हम्बल रिक्वेस्ट रोज रोस क्वेश्चन करवाओ पढ़ाई कर नहीं रहे हो आप लोग। मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए दो सिखा दिए सर चालीस कराओ चालीस कराओ तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है आप लोग क्लास में पढ़ो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सब कुछ कवर होगा लेकिन आप लोगों को पूरा शिद्दत से पढ़ना है ठीक है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थ्री चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से किस पदार्थ को आप लोग सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते आप लोगों को बताना है दोस्तों केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है मैटर यानी पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का कॉन्सेप्ट है मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही ये होता है मैटर यानी पदार्थ दोस्तों पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं तो आपको ये चारों ही यहां पर जो दिए गए ना वो पदार्थ है आप लोगों को बताना है इसमें से किसको आप लोग सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता दू जितने भी कंपाउंड है ना जितने भी यौगिक है जैसे मान लो मिथेन है मिथेन किससे मिलकर बना हुआ है इसका फॉर्मूला यह है यानी सर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो अगर ये किसी से मिलके बना हुआ है तभी तो आप लोग इसको तोड़ सकते हो इसको सिंपल फॉर्म में ठीक है दोस्तों बात करूं रेत रेत भी बहुत सारी चीजों से मिलके बनी होती है इसको और अभी तोड़ा जा सकता है सिंपल फॉर्म में वाटर फॉर्मूला क्या है H2O टू आप लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो दोस्तों इसका डीकंपोजिशन करके लेकिन दोस्तों जितने भी तत्व है तत्व किसको बोलते हैं जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये किसी से मिलकर बने हुए नहीं है तो यानी इनको और सिंपल में आप लोग नहीं तोड़ सकते तो मरकरी भी क्या है एक तत्व तो है मरकरी का सिंबल क्या होता है ये होता है पीरियोडिक टेबल में आपको इस सिंबल से मिलेगा देखिए यहां पर आपको दिखा लिखा हुआ है साफ-साफ कि एलिमेंट क्या होते हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस जिनको आप लोग और सिंपलीफाई नहीं कर सकते जिसको और सरल पदार्थों तो में नहीं तोड़ सकते क्या बात है चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे ठीक है यह था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थ्री ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर चलिए बताओ इनमें से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है देखिए दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं सबका अलग अलग काम है तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य क्या है हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवाना पर इस ब्लड के सर्कुलेशन कराने के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है सर बहुत सारे ऑर्गन है है ना तो इन सब ऑर्गन के ग्रुप को आप लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हर्ट दोस्तों हर्ट ही तो क्या करेगा ब्लड को पंप करेगा ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा जिससे ब्लड हर अंग तक जाएगा अब दोस्तों हर्ट से जो ब्लड आपके अलग अलग अंगों में जा रहा है जैसे मान लो ये किडनी है ये किडनी है तो किडनी के पास जिस नली से जा रहा है उसे आप लोग क्या बोलते हैं या किसी भी ऑर्गन के पास में जिस नली से जाता है ना उसको बोलते हैं आर्टरी यानी धमनी तो आर्टरी वो नलिया है जो कि हर्ट से ब्लड अलग अलग ऑर्गन तक लेके जा रही है तो आर्टरी इसका पार्ट हो गया सिमिलरली दोस्तों जब किसी ऑर्गन से ब्लड बाहर निकलता है ना तो उस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है क्यों क्योंकि जब किसी ऑर्गन के पास में ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी उस ऑक्सीजन का यूज हो गया उन ऑर्गन के द्वारा यानी अब जब ब्लड बाहर निकल रहा न, है ना उसमें ऑक्सीजन पार्ट है दोस्तों ध्यान रखो जैसे ये मान लो किडनी है तो किडनी के अंदर जब ब्लड गया किस नली से गया दोस्तों आर्टरी से गया धमनी से गया बाहर निकला जब कौन सी नली से निकला वेन से निकला शेरा से निकला तो अंदर जरूर छोटी छोटी नलियां होगी ना जो आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर रही होगी बिल्कुल इन छोटी छोटी नलियों को क्या बोलते हैं कैपिलरी यानी केशी का यह बोलता है। तो कैपिलरी भी इसी का पार्ट है दोस्तों विलाई इसका पार्ट नहीं है क्या आपको पता है विलाई कहां पर पाया जाता है बिल्कुल सर विलाई पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन आतों में जैसे दोस्तों ये आतो के अंदर है ना ऐसे उंगली संरचना पाई जाती है ऐसी ठीक है तो जो भोजन इससे गया ना वो इस विलाई के द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो विलाई जो होती है ना ये आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती है यानी इसका काम क्या है फूड का एबजॉर्ब करना तो ये आपके सर्कुलेशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रही है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियर है क्या आगे बात समझ में चले आ जाओ बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए ध्यान से समझना हो सकता है बहुत लोगों को इजी भी लगे लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझना है और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दू क्या एक चीज और बता दू मैं आपको आज शाम को चार बजे भी मैं एक सेशन लूंगा जैसे उस दिन लिया था ना आपने बहुत प्यार दिखाया था सर बायोलॉजी के मैंने टॉप थर्टी क्वेश्चन करवाए थे जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं तो आज शाम को चार बजे हम लोग केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन करेंगे जो बहुत रिपीटेड होते हैं ठीक है आ जाओ दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन में क्या आएगा आपने अगर इतना ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसमें क्या आएगा ऑक्सीजन के दो परमाणु आएंगे या ऑक्सीजन का एक परमाणु आएगा दोस्तों ऑक्सीजन का क्या एक परमाणु का द्रव्यमान होता है क्या सोलह ग्राम है आप बोल रहे हो सर ऑक्सीजन सोलह ग्राम में केवल एक एटम आएगा दोस्तों एक, दोस्तो एक एटम आपको पता है कितना हल्का होता है एक ग्राम में पता नहीं कितने करोड़ों एटम आ जाएंगे तो सर कैसे निकाले देखिए दोस्तों आप मुझे यह बताइए क्या आप लोगों को ऑक्सीजन का सिंबल पता है क्या बिल्कुल सर ऑक्सीजन का सिंबल होता है यह दोस्तों क्या आपको पता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल सर पता है नीचे एक संख्या लिखी जाती है ऊपर एक संख्या लिखी जाती है नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो होता है एटॉमिक नंबर नंबर यानी यानी परमाणु क्रमांक ऊपर जो संख्या संख्या लिखी होती होती है वो होती है वो मास द्रव्यमान इतनी सी बात समझ में आ रहा है दोस्तों ध्यान रखो अगर आप लोग द्रव्यमान संख्या जो है अगर उसके आगे आप लोग लगा देते हो एमयू एमयू की फुल फॉर्म क्या है एटोमिक मास यूनिट हिंदी में परमाणु द्रव्यमान तो सर ये क्या बन जाता है? एटॉमिक मास बन जाता है यानी परमाणु द्रव्यमान बन जाता है यानी मैं आपसे पूछूं, ऑक्सीजन के एटम का द्रव्यमान कितना है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है सोलह ए क्लियर है और एक एमयू में कितना होता है आपको पता है कि जैसे एक एटम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के 16 ए और एक ए का मतलब होता है इतना किलोग्राम सेवन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी किलोग्राम तो देखो एक ऑक्सीजन के एटम का द्रव्यमान होता है इतना देखो कितना ज्यादा हल्का है ठीक है दोस्तों ऊपर जो संख्या लिखी होती है अगर आप लोग उसके आगे ग्राम लगा दोगे तो वह क्या बन जाएगा सर वह बन जाता है मोलर द्रव्यमान मोलर मास मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है अगर एक मोल एटम लोगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 16 ग्राम होगा यानी 16 ग्राम में आपको कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे एक मोल एटम आ जाएंगे एक मोल परमाणु और एक मोल का मतलब पता है कितना होता है 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री यानी इतने सारे एटम्स जब आप लोग लोगे ना तो उनका द्रव्यमान क्या मिलेगा आपको 16 ग्राम मिलेगा आगे बात समझ में दोस्तों आगे बात समझ में एक बार यस बोलिए सभी यस बोलिए चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपका आर आरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है हम लोग सारे क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों के है ना रिपीटेड भी मतलब आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चलिए इसका आंसर बताइए चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए आवर्त सारणी में सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु को कहां पर रखोगे देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं जितनी भी आपकी नॉन मेटल है ना जितनी भी आपकी अधातु होती है ना वो सारी पीरियोडिक टेबल के राइट में आती है हाँ एक नॉन मेटल ऐसी है धातु है जो कि यहां पर बैठा है आपका हाइड्रोजन वो लेफ्ट में बैठा है बाकी सारे राइट में बैठे हैं देखो आप लोग देखो ये सल्फर हो गया ये क्लोरीन हो गया सारे आप लोगों के राइट में बैठे हैं है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर फाइव था ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है चलिए आगे चले ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिएगा आंसर बताओ जल्दी से बताओ दोस्तों पेरेन काइमा जिसमें क्लोरोपिल होता है उसे आप लोग क्या बोलोगे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको पता है पेरेन कायमा क्या होता है अगर पता है तो बताइए सर मुझे नहीं पता देखिए दोस्तों पेरेन कायमा प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू है, है यानी उत्तक है उत्तक किसको बोलते हो कोशिकाओं के समूह को बोलते हो कोशिकाओं के ग्रुप को बोलते हो तो आपको अगर ध्यान हो तो प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते मैंने कई बार बताया फिर भी फिर भी वापस बताता हूं एक तो होता है मैरिस्टमेटिक टिश्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं विभो उत्तक और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसे आप लोग हिंदी में बोलते

जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है बाकी में नहीं पाया जाता कुछ पेरेन का टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है देखो क्लास नाइन चैप्टर नंबर टिश्यू क्या आप लोग पढ़ पा रहे हो क्या इज पैर मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पेरेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल सही उत्तक है यहां पर देखो एक लाइन लिखी हुई है इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल कुछ दोस्तों कंडीशन में

तो पेरेन काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे आप लोग किस नाम से जानोगे क्लोरिन काइमा के नाम से जानोगे चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिछला वाला कौन से नंबर का था सातवें नंबर का था तो ये आप लोगों का आठवें नंबर का आ गया एलपी में पूछा गया क्वेश्चन देखो दोस्तों गलत मत करना बहुत बार बता चुका हूं बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए तो बताओ पौधों में निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित हो जाता है देखिए आप लोगों को पता है प्लांट में जो फ्लॉवर पाया जाता है ना पुष्प पाया जाता है ठीक है तो ये फ्लॉवर का डायग्राम चलो मैं इधर बनाता हूं ये फ्लॉवर के मिड पार्ट में कुछ आपको ऐसा मिलेगा साइड में आप लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा ठीक है और यहां पर आप लोगों को पीटल्स यानी पंखुड़ी मिलेगी दोस्तों आपको पता है कि ये जो फ्लॉवर का बीच वाला पार्ट है ये है फीमेल पार्ट यानी मादा भाग इसका सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है ये मोटा सा सर ओवेरी कहलाता है अंडाशय कहलाता है और इसके अंदर ये जो मोतियों जैसी संरचना पाई जाती है ना मोतियों जैसी उसे आप लोग क्या बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं बीजांड बोलते हैं तो दोस्तों यही ओवेरी पक के क्या बनती है फ्रूट बनती है फल बनती है जबकि ये अंदर के छोटे छोटे जो बीज वाले मोती जैसी संरचना है ओव्यूल ये किस में कन्वर्ट होते हैं बीज में कन्वर्ट होते हैं तो बीज में कन्वर्ट कौन होते हैं ओव्यूल अगर आप लोगों से पूछे फ्रूट में कन्वर्ट कौन होता है तो ये ही ओवेरी पक के फ्रूट में कन्वर्ट होती है क्लियर है क्या आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग इजीली बना सकते हो कौन सी मेटल है जिसको चाकू से काट सकते हो आपको पता है सर मेटल हार्ड होती है कठोर होती है चाकू से नहीं काट सकते जैसे लोहे को काट के देखो नहीं कटेगी ना लेकिन कुछ मेटल ऐसी है जो कि चाकू से कट सकती है बहुत सॉफ्ट होती है कौन कौन सी दोस्तों तीन मेटल है एक तो सोडियम हो गई एक आप लोगों की लिथियम हो गई एक पोटेशियम हो गई है ना जिसका सिंबल के होता है कैलियम ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा चलिए तो ये क्वेश्चन कौन सा था आठवा ये हो गया नब्बे नंबर का क्वेश्चन चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा टेंथ नंबर का क्वेश्चन आंसर बताइए बढ़िया क्वेश्चन है एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेगा बताओ बताओ दोस्तों आपने देखा है क्या जैसे मान लो ये प्लांट है आपका है ना यहां से मान लो पर सन, है, सन लाइट आ रही है तो प्लांट जो होता है ना आप लोग देखना सन की लाइट की तरफ झुक जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस तरफ झुक जाता है दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है ये आप लोगों को बताना है आइए मैं आप लोगों को कारण बताता हूं क्लियर है क्या आ, एक हरीश कुमार जी एक ही कमेंट कर रहे हैं सर जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ के थोटिकल क्वेश्चन सही हो जाते हैं प्लीज सर एडवाइस मी दोस्तों दोनों से टेंशन मतलब समझो आप लोग देखो बताओ देखो होता क्या है पहले तो आप लोग ये समझो शूट आप लोग किसको बोलते हो देखो दोस्तों प्लांट का कुछ हिस्सा हो, होता है मिट्टी के नीचे है ना जैसे रूट हो गया जड़ जो होती है है ना नीचे होती है ना तो दोस्तों जो भी मिट्टी के नीचे होता है ना उसे आप लोग बोलते हैं रूट और जो भी मिट्टी के ऊपर होता है तना वगैरह उन सबको क्या बोलते हैं शूट बोलते हैं क्लियर है क्या तो आपको समझ में आ गया शूट क्या है अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो जैसे दोस्तों ये क्या है आप लोगों का कोई पौधा था ठीक है दोस्तों जो आप लोगों का तना होता है ना तना उसके अंदर एक हार्मोन होता है या मैं बोलूं प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है ऑक्सिन हार्मोन ठीक है अब जैसे मान लो सनलाइट क्या है ऊपर है तो ये जो येलो ये पिंक कलर के आप लोग देख पा रहे हो ना ये क्या है आप लोगों के ऑक्सीजिन हॉर्मोन है ठीक है मान लीजिए दोस्तों सनलाइट इस साइड तो है तो ऑक्सीजिन जो हार्मोन होते हैं ना वो कहां पर मूव करते हैं जहां पर डार्कनेस होता है जहां पर अंधेरा होता है यानी ये प्रकाश से दूर भागते हैं तो दोस्तों इस तरफ प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ रहा है इसलिए ऑक्सीजन हार्मोन कहां की और मूंग करेंगे इस तरफ आ जाएंगे देखो आप लोग देख पा रहे हो ये पिंक कलर की जो बॉल है वो यहां पर आ गई अब क्या आप लोगों को पता है क्या ऑक्सीजन हार्मोन करता क्या है बिल्कुल सर मुझे पता है सेल का इलोंगेशन करता है कोशिका की लंबाई बढ़ाता है जैसे मान लो ये प्लांट की सेल है तो उसकी लंबाई बढ़ा देगा तो सारे जब ऑक्सीजन हार्मोन इधर आ गए तो यहां की कोशिकाओं में इलांगेशन हो जाएगा तो ये लंबी हो जाएगी इस तरफ लंबी नहीं थी इस तरफ लंबी हो गई तो इस तरफ इसलिए एक तरफ ये झुक गई तो इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है डैश हार्मोन के विसरण के कारण है ना मतलब कौन से हार्मोन कौन सा हार्मोन एक जगह आ गया कौन सा हार्मोन एक जगह डिफ्यूज हो गया सारा का सारा तो आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन हॉर्मोन इसी की वजह से ये वाली घटना हुई है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताओगे एक दोस्त बोल रहा है सर मेरी ऐप पे कुछ दिक्कत आ रही है प्लीज आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लें प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है है इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लें ठीक बताओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर दस था ना ये ग्यारह हो गया ना आज क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया इसलिए मेरे को फिजिकली लिखना पड़ रहा है चलो आ जाओ दोस्तों कुछ पौधों में जैसे रेगिस्तानी पौधों की बात करें ना तो उनके एपिडर्मस में एक मोटी मोमी को कोटिंग मतलब वैक्स वैक्स होती, होती है तो आपको बताना है, है, है? है? देखिए तो प्लांट में पत्तियां भी पाई जाती है तना भी पाया जाता है तो दोस्तों इनकी जो आउटर लेयर होती है ना इनकी जो आउटर लेयर होती है ना आउटर आउटर जो लेयर होती है ना उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं

पत्ती की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसे आप लोग बोल रहे हो एपिडर्मिस, जो कि किसके कांटेक्ट में आएगा मतलब सनलाइट जब पड़ेगी ना तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा एपिडर्मिस पे पड़ेगा अब दोस्तों सनलाइट जब पड़ती है तो अगर जो कोई पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा जो डेजर्ट में जो प्लांट है ना उनके पास वैसे ही पानी की कमी है और अगर इस पे सनलाइट पड़ेगी तो वो पानी भी उड़ के चला जाएगा इसीलिए दोस्तों डेजर्ट प्लांट में ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है किसकी होती है कोटिंग क्यूटिन नामक एक पदार्थ की होती है ये क्या करता है सनलाइट को अंदर एंटर करने से बचाता है या मैं बोलूं पानी को वाष्प बनने से बचाता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताओ यह कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया ग्यारहवा हो गया ना यह हो गया आप लोगों का बारहवा ठीक है इसको भी इसको तेरवा बोल देता हूं इसको चौदवा जिससे बार बार कंफ्यूज नहीं हो चलिए बताइए दोस्तों किसी लवण का जलीय विलियन का मान है जलीय विलयन का पीएच मान है चार दशमलव पांच आपको पता है अगर किसी का तो भी पीएच सात से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है यानी ये जो आपका जलीय विलयन है ना वो अम्लीय प्रकृति का है दोस्तों जलीय विलयन का मतलब क्या है जैसे मान लो कोई लवण है कोई सॉल्ट है इसमें आपने क्या मिला रखा है पानी मिला रखा है या पानी में कोई सॉल्ट मिला रखा है तो पानी तो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो इसको तो भूल जाओ इसका मतलब अम्लीय जो है या क्षारीय जो होगा अगर कोई विलियन शारिय होगा या अम्लीय होगा किसकी वजह से होगा इस लवन की वजह से होगा और अगर कोई अम्लीय है इसका मतलब यानी ये जो लवन है वो क्या है एसिडिक नेचर का है वो क्या है अम्लीय प्रकृति का है दोस्तों बात आगे क्या समझ में बोलो हाँ या ना आपको पता है किसी भी सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है सर जब कोई एसिड और बेस मिलते हैं ना तो क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं यानी लवण बनाते हैं दोस्तों एसिड भी दो टाइप के होते हैं बेस भी दो टाइप के होते हैं तो अगर स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस मिलके कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो वो न्यूट्रल होगा अगर वीक एसिड और वीक बेस मिलके कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो भी वो न्यूट्रल होगा अगर स्ट्रोंग एसिड हो और वीक बेस हो तो जो सॉल्ट होगा क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा और अगर दोस्तों कोई वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा तो अगर एसिडिक नेचर का आपको सॉल्ट चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ऑप्शन नंबर सी आगे बात समझ में क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों ए आप लोग गलत क्यों कर रहे हो वीक एसिड क्यों बोल रहे हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा बहुत लोग ए बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं आप लोग है ना क्वेश्चन ध्यान से देखो गलती मत करो ठीक है आ जाओ चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्लीज आप लोग आराम से देखिएगा कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आराम से हम लोगों को करना है चीजें समझनी है बताओ नहीं आएगा राजन जी नहीं आएगा ठीक है आ जाओ सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है टेंशन मतलब सब करा दूंगा मैं यार आप साइंस के टेंशन छोड़ दो जैसे आज शाम को चार बजे में आपको केमिस्ट्री के वो तीस क्वेश्चन करा रहा हूं जो बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में आ जाओ देखो दोस्तों गैस के एक जार में यानी गैस का एक कंटेनर लिया आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है तो दोस्तों अगर थोड़ी सी भी गैस लो ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे अणु होंगे बहुत सारे अणु होंगे अणु किसको बोलते हैं जो परमाणु से मिलकर बनता है जैसे ये एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है दो ऑक्सीजन के परमाणु से कार्बन के परमाणु से तो इसको मैं अणु बोल देता हूं ठीक है तो एक कंटेनर में दोस्तों बहुत सारे अणु है कितने सारे सर इतने सारे अणु हैं तो आपको यह बताना है कितने मोल मौजूद है जैसे यार आप लोग मुझे बताइए मैं आपको बोलूं कि आपके घर में चौबीस कार खड़ी है चौबीस गाड़ियां खड़ी है तो अगर मैं आपको बोलूं कि कितनी दर्जन गाड़ियां खड़ी है आप लोग बोलोगे दो दर्जन एक दर्जन में होते हैं बारह सिमिलरली दोस्तों मोल भी एक संख्या है एक मोल का मतलब क्या होता है इतना 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री आगे बात समझ में तो आपको दिया हुआ है टोटल इतने अणु हैं, तो आपको मोल बताना है तो एक मोल में क्या होता है एक मोल में सर इतना होता है ए, ए, एक मोल का मतलब इतने अणु ठीक है अब आप लोगों को टोटल अणु दिए हुए तो क्या करना है इसमें भाग लगा दो ना यार जो तो दिमाग लगा रहे हो 1.501 10 की पावर 22 में भाग लगा दो 6.023 10 की पावर 23 का क्लियर है क्या देखो ये लगभग एक 1.5 है ये लगभग 6 है दोस्तों 6 को जब काटोगे डेढ़ से कितनी बार में कटेगा चार बार में तो नीचे आ गया चार क्लियर है क्या ये दस की घात 23 कट गया 10 की घात 22 से इधर बच गया 10 तो आंसर कितना आ गया 1/ चालीस आ गया अब एक काम करो दोस्तों सौ से मल्टीप्लाई करो और सौ से डिवाइड करो ऐसे में क्यों कर रहा हूं क्योंकि सौ बट्टे चार की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है पच्चीस होती है अब पच्चीस में जब आप लोग तीन जीरो का भाग लगाओ कितना जीरो पॉइंट जीरो दो पांच ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चले आगे कोई दिक्कत नहीं है सर क्वेश्चन नंबर तेरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए दोस्तों चौदह करिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको देखने में इजी लगेगा फिर हम लोग अच्छा चलो आगे नहीं चलूंगा सोल्यूशन पता पड़ जाएगा आपको बताओ 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 अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो बस रटा हुआ है आंसर ऐसे कुछ होता है कैल्शियम कार्बोनेट आप करोगे ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे क्योंकि आपने आदत डाल रखी है सर क्वेश्चन को नहीं पढ़ने की क्वेश्चन पढ़ो तो सर ही और मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज में इतना घुमाएगा आप लोगों को कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है जो ढंग से पढ़ता है क्वेश्चन को वही सॉल्व करेगा जो ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले ना वो पहले ही बाहर हो जाएंगे जैसे ये लड़का देखो हीरो ही सरकार ब्रैकेट में लिख रखा है वेस्ट बंगाल ये आंसर दे रहा है सी ये वही बच्चा है जो इतनी देर से कमेंट कर रहा था सर बीस की जगह चालीस कराओ चालीस कराओ चालीस कराओ चालीस कराओ सलेक्शन चालीस करने से ये सौ करने से नहीं होगा सिलेक्शन होगा हर एक कॉन्सेप्ट को समझने से ठीक है आ जाओ देखो क्या बोला जा रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो एक सफेद अवक्षेप बनता है चलिए मान लेते हैं देखो चूने का पानी किसको बोलते हैं सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं जब आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करवाओगे तो आपको पता है क्या बनता है चलो सर एनसीआर से सीखते हैं क्या बनता है तो जब आप लोगों का चूने का पानी था जब इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली तो क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और साथ में पानी भी बना यानी पानी में ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या है पानी के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और पानी में ये कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से इसका पूरा का पूरा ये जो आपको बनाना ये प्रोडक्ट उसका रंग क्या है व्हाइट है ठीक है आ जाओ तो क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया साथ में वॉटर बन गया ये ठोस अवस्था में बना और ये आप लोगों का लिक्विड स्टेट में मिला ठीक है अब जो बना ना आपको बोला एक सफेद अवक्षेप बन गया ये व्हाइट कलर का बन गया ये आप लोगों का वाइट कलर का कलर बन गया पूरा का पूरा ठीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के गुजारने पर वापस 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 घुल जाता जाता है हो जाता है हो मतलब आपको ये कलरलेस हो जाएगा ये तो ये किस वजह से हो रहा है देखो समझो मेरी बात को मैं फिर से क्वेश्चन समझाता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा है देखो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि चूने के पानी में जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो आपको क्या मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वॉटर क्लियर है क्या ठीक है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट क्या है वाइट प्रेसिपिटेट है है प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट सफेद रंग का अवक्षेप किसको बोलते हो? जो घुलता नहीं है तो पानी में गुला नहीं नीचे बैठ गया आप लोगों का ठीक है अब देखो क्या होता है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये प्रोडक्ट बन गया लेकिन आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो तो जैसे आपने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली आपको ये मिल गया था आपने जैसे ही आपने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था ना उसकी जगह में क्यों उड़ गया क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी ना इसके इसमें ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट भूल के क्या बन गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो गया ठीक है तो यह किस यौगिक के बनने की वजह से हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने की वजह से हुआ है या इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है समझ में आ रही बात को तो देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे मैं चाहता हूं आप लोग इसमें पंद्रह सेकंड से ज्यादा ना ले तो आंसर बताओ पंद्रह सेकंड से ज्यादा आप लोग ना ले मेरी आप लोगों से विनती है क्योंकि तो मैं ऐसी शॉर्ट ट्रेक आपको बता चुका हूं बाकी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे आंसर उससे भी आ जाएगा लेकिन बड़ा आएगा देखो अवतल दर्पण का आवर्धन आपको ज्ञात करना है ठीक है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है जिसकी फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है देखिए दोस्तों ये रहा आपका कौन के मिरर यानी अवतल दर्पण दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल यानी ध्रुव एक ऐसी रेखा जो पोल से होके गुजरती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं आपको पता है हर दर्पण का कोई ना कोई फोकस होता है तो चलो देखो हर दर्पण का मिलाओगे तो कोई सेंटर मिलेगा ना तो ये मान लो दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्ता केंद्र है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जेट बीच वाला पॉइंट कौन सा है आप लोगों का फोकस है आपको बोला जा रहा है फोकस लंबाई पंद्रह सेंटीमीटर है यानी पोल से फोकस की जो दूरी है वो कितनी है पंद्रह सेंटीमीटर क्लियर है क्या दोस्तों अगर ये फोकस यहां से 15 सेंटीमीटर दूर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर होगा 30 सेंटीमीटर क्योंकि तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल होती है तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा अब देखिए दोस्तों आपने वस्तु को कहां पर रखी है चालीस से सेंटीमीटर दूर रखी है दर्पण से चालीस सेंटीमीटर दूर रखी है देखो तो तीस सेंटीमीटर तो ये पॉइंट है यानी इसे दूर रखिए कहीं ना कहीं यहां पर रखिए वस्तु को अब आप लोगों को बताना है क्या होगा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ मैंने आपको कई बार बताया है अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा समान आकार का बनेगा बताया था ना और मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में रखोगे ना तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो प्रतिबिंब छोटा, तो छोटा बनेगा यानी इसका मतलब है मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से कम आनी चाहिए जब एक से कम होता है इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है जब एक के बराबर होता है समान आकार का बन रहा है एक से बड़ा बनता है मैग्निफिकेशन वैल्यू एक से बड़ा है नहीं प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो देखो छोटा बन रहा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से कम आएगी प्लस माइनस मत देखो बस वैल्यू देखो एक से कम आएगी देखो यहां पर वैल्यू है एक यहां पर है वन तो ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता आपको यह भी पता है अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट बन रही है वो सीधी बन रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है इन्वर्टेड बन रही है उल्टी बन रही है तो आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर किसी वस्तु को फोकस या फोकस के लेफ्ट में रखते हो तो इमेज कैसी बनती है रियल बनती है वास्तविक बनता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो आपने कहां पर रख रखा है यहां पर रख रखा है यानी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी उल्टी बनेगी यानी आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए मैं समय ले रहा हूं क्या ये मैंने आपको पहले समझाए समझाए हैं हैं क्या बताओ? क्या क्या बताओ ये मैंने पहले हैं? क्या तो अगर कोई बच्चा डेली क्लास ले रहा है तो उसको यार जल्दी से जल्दी करना चाहिए था उसको टाइम नहीं लगाना चाहिए था उसके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए था कि हाँ सर आपने कई बार बताया है कि अगर ऐसे रखेंगे बताओ मैं सही बोल रहा हूं क्या बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था सही था ना बनना तो हमेशा आप लोग दोस्तों जब कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे जैसे यहां पर कर पा रहे हो लेकिन बशर्ते एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो जल्दीबाजी मत भागा करो आपको यहां पर 20 में से 20 नहीं लाने 20 में से 20, 40 में से 40 हम लोग मेन एग्जाम में, में ले आएंगे यहां पर आप लोग सीखो मेक श्योर sure गलती नहीं करो आप लोग है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मानव हृदय के दाहिने भाग में क्या होता है सर क्या होता है देखिए दोस्तों लंग्स क्या, तो क्या, क्या करता है पहले तो आप लोग मुझे बताओ लंग्स क्या करता है सर लंग्स के पास में जब ब्लड जाता है ना उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऑक्सीजन होती ही नहीं है तो लंग्स क्या करेगा इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा ऑक्सीजन डाल देगा तो और इस रंग इस वाले रक्त का रंग क्या होता है लाल होता है ऑक्सीजन वाले रक्त का रंग ठीक है ऑक्सीडेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो आपका होता है रेड दोस्तों ये ब्लड कहां पर जाएगा हार्ट के पास में जाएगा क्योंकि लंग्स बोलेगा कि भाई मैंने ऑक्सीजन वाला ब्लड तेरे को भेज रहा हूँ उसको सब अंग तक पहुंचा दे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा दे और ये सब अंग तक पहुंच जाए देखो दोस्तों ये आपका जो हार्ट होता, होता है उसके चार चैंबर होते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद तो ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया आलिंद ये राइट ऑरिकल गाय आलिंद नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये राइट वेंट्रिकल अब देखो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा ना वो कहां पर जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल में जाता है लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, 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 आप आपका रक्त बाहर निकलेगा ना तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी क्योंकि उस ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा उस, उक, उस अंगों के द्वारा हर अंग को ऑक्सीजन चाहिए होता है तो अब जब ब्लड बाहर निकलेगा ना उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उसमें ऑक्सीजन होगी नहीं अब ये घूम घूम के किस में आएगा राइट ऑरिकल में आएगा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा फिर यहां से एक मोटी सी नली से वापस लंग्स में जाएगा फिर लंग्स वापस वो काम करेगा यानी जो आपका राइट वाला पार्ट है दोस्तों ये वाला जो पार्ट है उसमें क्या है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ऑप्शन नंबर सी कई बार आप लोगों से यह भी पूछ ले जाता है हमारे हट का राइट पार्ट किससे मिलकर बना होता है तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल क्लियर है चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बताओ बताओ दोस्तों ये जो ये वाले रिसेप्टर्स है ना वो किसका संवेदन करते हैं किसको सेंस करते हैं देखिए पहले एक चीज समझिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के विशेष पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग चीज को सेंस करते हैं कोई रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट को सेंस करते हैं कोई आप लोगों के साउंड को सेंस करते हैं कोई लाइट को सेंस करते हैं कोई टच को सेंस करते हैं तो ये वाले रिसेप्टर्स किसको सेंस करते हैं देखो क्लास टेन का चैप्टर उठा के देखोगे ना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने तो देखो वहां पर स्टार्टिंग में आपका शायद पहले या दूसरे पेज पे आप लोगों को मिल जाएगा कि रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि सेंस करते हैं जैसे बोला जा रहा है देखो गिस्टेरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट कि ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो किसको टेस्ट कर, सेंस करेंगे टेस्ट को जैसे दोस्तों ऑल फैक्ट्री जो होते हैं ये इस बार ग्रुप डी में पूछा गया था तो जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं ना वो स्मेल को करते हैं किसको करते हैं स्मेल को करते हैं गंध को करते हैं ठीक है तो आप लोग उसका भी ध्यान रखिएगा क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह हो गया ये आ गया क्वेश्चन नंबर अठारह जल्दी से बताइए आपको एक तरफ मिश्र धातु दी गई है आपको पता है मिश्र धातु क्या होता है जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है और एक तरफ आपको उनका कंपोजिशन ग्या दिया हुआ है बताओ कौन सा सही मैच है दोस्तों क्या जो ब्रास होता है पीतल क्या कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है क्या बिल्कुल सर सही बात है सत्तर परसेंट कॉपर और तीस परसेंट जिंग से आपका ब्रास बनता है पीतल बनता है बिल्कुल सही है सर ये तो दोस्तों गन मेटल ये भी एक मिश्र धातु क्या ये कॉपर टिन और जिंक से मिलकर बनती है क्या क्या नाइक्रोम निकल आयरन क्रोबियम से मिलकर बनता है क्या क्या सोल्डर लेड और जिंक से मिलकर बनता है क्या देखिए जो आप लोग मेटल वाला चैप्टर उठा के देखोगे ना उसमें आप लोगों को देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वैसे तो मैं आपको क्यों बार बार रेफरेंस देता हूं क्योंकि दोस्तों इससे ही आप लोगों के क्वेश्चन पूछते हैं देखो ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक क्या ब्रास कॉपर और जिंक का है क्या बिल्कुल सही बात है फिर लिखा हुआ है ब्रॉन्ज है ना कॉपर और टिन का है हालांकि ब्रॉन्ज ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था चलो इसको हटाओ दोस्तों और क्या बोला जा रहा है सोल्डर

इन तत्वों का बढ़ते बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम क्या होगा आपको सेट करना है जिसमें मेटेलिक करेक्टर सबसे कम होंगे उसको पहले रखना है जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसको बाद में रखना है दोस्तों एक चीज तो पता ही है मेटलिक करेक्टर किसमें मिलेंगे मेटल्स में मिलेंगे धातु में, में मिलेंगे बात सही है ना तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि फॉसफोरस में सबसे ज्यादा होंगे अरे फॉसफोरस तो नॉन मेटल है अधातु है ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता दोस्तों ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बचे दो ऑप्शन अब देखो कॉमन सेंस लगा के करे क्या फॉसफोरस जो है ना वो आपका नॉन मेटल है अधातु है तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं पाए जाएंगे मेटलॉइड उपधातु क्या होता है जिसमें कुछ करेक्टर्स पाए जाते हैं मेटल्स के कुछ पाए जाते हैं नॉन मेटल्स के तो सिलिकॉन एक क्या है है उपधातु है तो इसमें अधातु से तो ज्यादा पाए जाएंगे तो फॉस्फोरस आप लोगों का सबसे बाद में आएगा सिलिकॉन इससे थोड़ा तो सा आगे आएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या दिक्कत है ठीक है चले आगे आ जाओ बाकी आपको ऐसे चेक करना है तो ऐसे देख लो इनकी लोकेशन देख लो देखो ये रहा सिलिकॉन ये रहा फॉस्फोरस ये रहा ऑप्शन में और क्या दिया था आई थिंक बेरिलियम दिया था और क्या क्या दे रखा है सोडियम और मैग्नीशियम दे रखा है देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आओगे ना तो मेटलिक करेक्टर बढ़ते हैं यानी मैग्नीशियम से सॉरी बेरिलियम से ज्यादा जो करेक्टर्स होंगे किस में पाए जाएंगे मैग्नीशियम में पाए जाएंगे और किसी पीरियड में जब आप लोग लेफ्ट से राइट में आते हो तब बढ़ते हो तो फॉस्फोरस से ज्यादा सिलिकॉन में सिलिकॉन से ज्यादा मैग्नीशियम में ठीक है तो ऐसे ट्रेंड आप लोगों को मैंने बताई रखा है है ना ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं और लेफ्ट से राइट पर आने पर घटते हैं या राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ते हैं बताओ बताओ ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आप लोगों का नाइनटीन uh, हो गया ट्वेंटी हो गया आज एक क्वेश्चन ज्यादा लगा दिया मैंने ठीक है ये ट्वेंटी होगा ठीक है बताओ दोस्तों सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं देखो आप मुझे बताओ हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं सर फीमेल बॉडी में बनता है एग मेल बॉडी में बनता है स्पम ठीक है ठीक है जब ये दोनों मिलेंगे तब रिप्रोडक्शन होगा दोस्तों इस एग को निर्माण एग का निर्माण किसके द्वारा होता है ओवेरी के द्वारा होता है अंडाशय के द्वारा होता है द्वारा, द्वारा तो इसको और इसको तो बोलेंगे हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाकी के वो ऑर्गन जो कि स्पम को बाहर ले जाने में मदद कर रहे हैं दोस्तों फीमेल बॉडी के वो ऑर्गन जो बाद में मतलब ओवेरी को मतलब ओवेरी के मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं या किसी भी और चीज में तो उनको सबको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो दोनों है ना आप लोगों के वो प्राइमरी है तो पूछा गया कि इनमें से सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है ना ओवेरी है ना टेस्टिज है कोई भी नहीं है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आ गया समझ में तो दोस्तों ये बीस क्वेश्चन थे आप लोगों को बोनस देता हूं मैं होमवर्क क्वेश्चन बता देना शाम को चार बजे मैं आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया वाले निश्चिंत रहिए आप आप लोग दोस्तों रेलवे आधार बैच आप लोगों का चालू हो चुका है आप लोगों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है रेलवे आधार बैच आपको इसमें सब कुछ मिलेगा जो एक सिलेक्शन के लिए चाहिए दोस्तों साइंस रीजनिंग मैथ जीके आप लोगों को दोस्तों डेली क्लास हो रही है आप लोगों को मैं बता दूं आज से ये बैच शुरू हुआ है जो बच्चे नहीं जुड़े आप लोग जुड़े अपनी तैयारी देखिए क्या शानदार आप लोगों की तैयारी होती है मैथ्स में आप लोगों का पहला चैप्टर परसेंटेज शुरू हुआ है आप लोग जाके देखिए स्टार्टिंग का मैंने डेमो भी डाल दिया है ठीक है प्राइज आप लोग लिए पूरी इकोनॉमिकल रखी है सर ज्वाइन कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाइए साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोगों को एक तो अगर मेरा साइंस का लक्ष्य लेना तो वो ले सकते हैं रेलवे आधार बैच आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा तो जाके जब आप लोग ज्वाइन करोगे अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है आप लोगों को जैसे ही डालोगे ना तो आपके पास में एक लिंक आ जाएगा जैसे उससे पेमेंट आप लोग कर लेंगे फिर आप लोग ऐप पे आके देखेंगे वो कोर्स आप लोगों का चालू हो चुका होगा कोई भी दिक्कत आ रही है इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच डेली अपनी लेट्स कनेक्ट साइंस सुबह दस बजे होती है और बाकी शाम को चार बजे मैं आज आप लोगों को एक विशेष सेशन लेके आ रहा हूं जुड़ना मत भूलेगा ठीक है बाय और अपना स्कोर भूलना मत कमेंट करना ठीक है